जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये क्लिप लगाता हूँ वोल्टेज रेगुलेटेड हो जाते हैं और 7 वोल्ट पर आ जाते हैं। और ये मैंने बल्ब लगाया हुआ इसके साथ, और देखिए मैं इसको रेस देता हूँ बाइक को तो 14-15 वोल्टेज से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये हमारा रेगुलेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी इपॉक्सी भी सूख गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक रेगुलेटर जो हमारी CD70 और CG125 बाइक में लगा होता है रेगुलेटर, आज हम ये बनाएंगे। तो मैंने इसको खोला है, इसके अंदर ये सारी इपॉक्सी फिल थी, ये बड़ी मुश्किल से ये निकली है, तो इसको मैंने निकाला है और इसको रिमूव किया। आज की इस वीडियो में ये वाला जो सर्किट है ये हम खुद बनाएंगे। अच्छा, ये जो है ये हमारी जो CD70, CG125 और चाइना बाइक्स, इनके अंदर ये रेगुलेटर आता है। लेकिन कुछ बाइक्स हैं जो सेल्फ स्टार्ट बाइक होती हैं, CG125 भी सेल्फ स्टार्ट है, उसमें लगता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर लगता है। कि वीडियो मैं पहले बना चुका, चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये हमारा सबसे मेन SCR आ गया BT151, और ये हमारा दूसरा PNP ट्रांजिस्टर आ गया 2N5401। ये हमारी येलो वायर है जो हमारी AC कॉइल कड़े में से आती है, और ये हमारी ग्रीन वायर है ग्राउंड वायर, और ये जो हमारी वाइट वायर है उसमें सिर्फ एक डायोड लगेगा। ये वाला डायोड हम यूज़ करेंगे 6 एम्पीयर का, जो कि रेड वायर में चला जाएगा बैटरी की, जो कि ये कनेक्टर होता है इसमें येलो ग्रीन रेड एंड वाइट। तो इसमें होगा सबसे पहले 1N4148 से इन होगा, यहाँ पे 10K लगेगा। ये इसकी फर्स्ट लेग में, ये 3.2K, यहाँ दरमियान से सेकंड लेग में, ये जीनर डायोड 7.5 वोल्ट का, यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। और ये इसकी थर्ड लेग है वो सीधा जाएगी 6.8K से ग्राउंड, और यहाँ से ही ये 560 ओम से सीधा BT151 के गेट में। जो इसका कैथोड है वो सीधा जाएगा ग्राउंड में, और जो एनोड है वो जाएगा सीधा येलो वायर में। इसकी फर्स्ट पिन कैथोड होती है, सेकंड एनोड, और थर्ड गेट इसकी एमिटर बेस कलेक्टर, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। तो हम डायग्राम के मुताबिक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ग्राउंड वायर आ गई, जो हमारा जिनर डायोड है 7.5 वोल्ट, 3.2 के रजिस्टर आ गई। ये हमारी येलो वायर आ गई, और ये हमारी ग्रीन वायर आ गई। जैसा कि इस कनेक्टर में होती है एक येलो और एक ग्रीन वायर, इसको हम डायग्राम के मुताबिक देखते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारी जो येलो वायर है ये हमारी आएगी इसके अंदर जिनर 1N4148 के अंदर, फिर उसके बाद 10K रजिस्टर आ गया हमारे पास, जो 2N5401 ट्रांजिस्टर है इसकी जो फर्स्ट लेग है वो यहाँ पे आ गई जिनर के बाद, और जो सेकंड लेग है वो आ गई हमारी रजिस्टर के बाद, उसके बाद आएगा 3.2K का रजिस्टर जो कि हमारे पास ये है, और फिर उसके बाद आएगा डायोड 7.5 वोल्ट जिनर जो कि ये है, और डायोड की दूसरी साइड हमारी ग्राउंड में आ गई, ये ग्राउंड वायर है। तो ये आ गई ग्राउंड वायर, ये सीधा ग्राउंड वायर हमारी जारी है ये BT151 के फर्स्ट लेग में, और जो सेकंड वाली है वो आई हमारी येलो वायर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेग है वो ग्राउंड है, ये देखिए ये फर्स्ट लेग, ये ग्राउंड, और जो सेकंड लेग है वो हमारी ये वाली है येलो वायर। अब हमारी रह गई हैं सिर्फ ये और ये दो रजिस्टर, जो कि हमारे BT151 की थर्ड लेग यानी कि गेट से जाके लगेंगी। ले जी, ये हमारा रेगुलेटर हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी इसकी थर्ड लेग से 6.8K जा रही है ग्राउंड में, और 560 ओम जा रही है इसकी लेग में। 560 ओम आ गई सीधा थर्ड पिन से इसके गेट वाली पिन में, और ये जो है 6.8K ये सीधा आ गई हमारे ग्राउंड में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, ये रेड और वाइट और रेड वायर का क्या इसमें किरदार है। ये जो हमारी रेड एंड वाइट वायर है ये भी हमारी बन गई, मतलब कि जो हमारा रेगुलेटर है वो कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें चारों तारें कंप्लीट हो गई हैं, ग्रीन येलो वाइट और रेड। असल में होता क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ये रेगुलेटर वर्क किस तरीके से करता है ये देखते हैं हम।
ये हमारी आगे ग्रीन वायर, ये हमारा है कॉइल कड़ा। कॉइल कड़े में तीन वायर्स होती हैं, एक ग्राउंड होती है, एक येलो सेंटर में से आ रही होती है और एक लास्ट में होती है वाइट जो कि चार्जिंग के लिए होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम इस रेगुलेटर को ग्राउंड और येलो के साथ इस कनेक्ट करते हैं ना, तो ये जो हमारे वाइंडिंग है ना, इसके जो ओवर वोल्टेज है ना वो क्या होते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। जब इसके वोल्टेज कंट्रोल होंगे, क्योंकि ये भी जो वाइट वायर है चार्जिंग की, ये भी इसी कॉइल में से आ रही है, तो इसके भी वोल्टेज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में लगती हैं इस तरीके से, ग्रीन ग्रीन के साथ, येलो येलो के साथ, तो फिर क्या होता है, इसके वोल्टेज भी ऑलरेडी कंट्रोल हुए होते हैं लेकिन ये एसी वोल्टेज होते हैं। तो फिर इसमें हम ये एक डायोड की मदद से यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं वाइट वायर, और जो ये आउटपुट है ये सीधा जाती है बैटरी में हमारी, क्योंकि ये एसी वोल्टेज होता है, इसको डीसी करने के लिए सिंगल डायोड यूज़ करते हैं, इसीलिए इस रेगुलेटर को हाफ वेव रेगुलेटर कहते हैं। कि मेरे चैनल पर जो होंडा सी डी 70 और 125 का जो कॉइल कड़ा है उसको किस तरीके से वाइंड करते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, वो आप जाके देखें। और उसके अलावा जो थ्री फेज स्टेटर होता है बाइक्स का, रक्षों में भी वही आता है, वो किस तरीके से वाइंड होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। सी डी आई यूनिट किस तरीके से बनता है, जो होंडा सी डी 70 या 125 या किसी भी बाइक का एसी सी डी आई यूनिट, उसकी वीडियो भी कंप्लीट डिटेल अपलोड है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हमारा ये फाइनल हो गया है। ये क्यों लगता है, जब एक्स्ट्रा वोल्टेज ग्राउंड जा रहे होते हैं ना ग्राउंड में, तो क्या होता है, ये हीट होता है, हीट होने की वजह से ये ख़राब हो सकता है, इसलिए ये इसकी जो हीट है वो इसके थ्रू डिसिपेट होती है। तो अब हम इसको, इसके लिए अभी मैं आरजी तौर पर टेस्टिंग के लिए इसके अंदर इसको लगा लेता हूँ हीट सिंक के अंदर। यहाँ पे ये मैंने इसको हीट सिंक के अंदर लगा लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे बाइक पे, और इसकी टेस्टिंग के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिट करेंगे और इसके अंदर इपॉक्सी भर देंगे, और जिससे ये इसका पक्का हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं है, स्लो आरपीएम पे 10 वोल्टेज आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये क्लिप लगाता हूँ, वोल्टेज रेगुलेटेड हो जाते हैं और 7 वोल्ट पर आ जाते हैं। और ये मैंने बल्ब लगाया हुआ इसके साथ, और देखें मैं इसको रेस देता हूँ बाइक को, तो 14-15 वोल्टेज से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर मैं ये बगैर रेगुलेटर के इस बल्ब को लगाता तो बल्ब अब तक चल चुका होता। थ्योरी के बारे में कि ये बेसिकली, अभी हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में कि ये बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारी एसी इनपुट है और ये हमारा ग्राउंड है। ये सीधा जाके हमारे BT151 में आ रहे हैं, और ये BT151 का है हमारा गेट है। अब जब जब ये गेट ट्रिगर होता है, तब तक ये जो है वोल्टेज, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, मतलब कि इनपुट जो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे वोल्टेज रुक जाते हैं। इसको ये बताने के लिए कि गेट किस टाइम ऑन करना है, वो है ये वाला रजिस्टर। जब ये सर्किट इसको बताता है कि 14 वोल्ट पूरे हो गए हैं, तो ये इसको सिग्नल दे के इसके गेट को ऑन कर देता है, जिससे क्या होता है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जो हीट की सूरत में जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो हीट सिंक में चले जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए इसको शंट टाइप रेगुलेटर भी कहते हैं। वैसे ये चीज़ है तो अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें पावर एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि जो हमारे एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ये मैंने इसके अंदर फिट कर लिया इसको, जो हमारा भी रेगुलेटर है, इस तरीके से कोई भी वायर टच नहीं होनी चाहिए, और इसको इसके साथ अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, क्योंकि जब ये हीट होगा तो हीट इसमें डिसिपेट हो जाएगी। और जो दूसरा वाइट और रेड वायर है, इसमें ये देख लें, वाइट वायर लगेगी इस साइड पर, और जहाँ पर इसमें डायोड में लाइन है इस साइड पर रेड वायर लगेगी, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिट कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर हम इपॉक्सी फिल कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा रेगुलेटर रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसमें अंदर फिट कर लिया इसको, और यहाँ पे टेप लगा दिया। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे इपॉक्सी रेजिन। ये इपॉक्सी रेजिन है AB, इसको इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमारी इपॉक्सी इसमें फिल हो गई है, अब हम इसको सूखने देंगे। ये हमारा रेगुलेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी इपॉक्सी भी सूख गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस रेगुलेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं।